हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पर क्वेश्चन नंबर है 17। क्या करें कि टू स्कूल्स ए एंड बी वांट टू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड हेल्पफुलनेस। द स्कूल ए वांट टू अवार्ड एक्स रुपीज इच, वाई रुपीज इच एंड जेड रुपीज इच फॉर द थ्री रेस्पेक्टिव वैल्यूज टू, थ्री टू वन स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली विथ द विथ अ टोटल अवार्ड अमाउंट फॉर 1600। स्कूल बी वांट टू स्पेंड 2300 टू द अवार्ड इट्स फोर, वन एंड थ्री स्टूडेंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। रेस्पेक्टिव वैल्यूज, यहाँ एक कंडीशन है कि बाई गिविंग द सेम अवार्ड मनी टू थ्री वैल्यूज एज बिफोर, यानी कि जैसे पहले अवार्ड जितना दिया गया है, जिस तरह जो वैल्यूज के अवार्ड दिए गए एक्स वाई जेड रुपीज की, वही अवार्ड स्कूल बी भी देता है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड वैल्यूज के ही अवार्ड ये भी दे रहा है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन इच वैल्यूज इज 900, यानी कि अगर ये एक्स वाई जेड प्राइस के जो आप अवार्ड देख रहे हैं, अगर हर तीनों में से एक एक अवार्ड लिया जाए तो टोटल 900 रुपीज का होता है। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द अवार्ड मनी फॉर इच वैल्यूज। अच्छा, मैट्रिक्स यूज करके हमें क्या करना है, अवार्ड वैल्यूज को बताना है, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें निकालना है। क्या करा, अपार्ट फॉर द थ्री वैल्यूज सजेस्ट वन मोर वैल्यूज विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर अवार्ड। अच्छा, क्या करा कि अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री वैल्यूज, यानी कि एक्स वाई जेड जो थ्री वैल्यू दिए हैं, इसको वन मोर वैल्यू विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर अवार्ड। अच्छा, मतलब हमें क्या करना है कि कोई ऐसा वैल्यू बताना है जो एक और वैल्यू बताने के लिए कह रहा है जो ये कंसिडर किया जा सके इस अवार्ड को देने के लिए, यानी ये आपको सजेस्ट करने के लिए कह रहा है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं एक्स रुपीज, वाई रुपीज, जेड रुपीज के अवार्ड हो रहे हैं, है ना जी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक्स वाई जेड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि टू स्कूल्स ए एंड बी वांट टू अवार्ड देयर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स on the values of sincerity, truthfulness and helpfulness, है ना, फॉर एक्स रुपीज, वाई रुपीज एंड जेड रुपीज इच फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि थ्री, टू और वन स्टूडेंट को अवार्ड दिया जाता है, तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का टू वाई प्लस का जेड, टोटल कितना का 1600 का। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जो स्कूल बी है वह फोर स्टूडेंट को एक्स रुपीज वाला, वन स्टूडेंट को वाई रुपीज वाला और थ्री स्टूडेंट को जेड रुपीज वाला, तो कितना इसको टोटल स्पेंड होता है 2300। और एक एक अवार्ड लिया जाएगा तो टोटल इसका कॉस्ट पड़ेगा कितने अवार्ड का, 900 पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए ना जी, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, लेट ए इक्वल टू में यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3x3 ऑर्डर का, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1 और एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, तो यह एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल्स वाला एक्स वाई जेड। अच्छा, और बी क्या वैल्यू, तो ये जो कॉन्स्टेंट दिए हैं इसको एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में 1600, 2300, 900। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं, R1 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, 3 लेते हैं,
ये रहा ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो 1 3 1 1, फिर माइनस टू लेते हैं, ये रहा ये कॉलम हटेंगे आ जाएगा 4 3 1 1, प्लस का 1 लेते हैं, ये रहा ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो 4 1 1 1, क्या हो जाएगा 3 × 1 − 3, −2 × 4 − 3, और फिर 1 × 4 − 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 × −2, −2 × 1, और यहाँ 1 × 3, क्या हो जाएगा यहाँ −6, −2 और +3, यानी आ जाएगा −5, जो कि 0 के इक्वल में नहीं है। अब हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालेंगे, 3 1 1, ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट हो तो 1 − 3 −2 हो जाएगा, 3 1 2, ये निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट होता तो 4 − 3, यहाँ −1 आ जाएगा, C 1 3, ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 4 − 1 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा C 2 1, ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 2 − 1, −1 आ जाएगा यहाँ पे, C 2 2, ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेगा, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बोलो तो 3 − 1 2 आ जाएगा, C 2 3, ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो हो जाएगा 3 − 2, −1 हो जाएगा, C 3 1, ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 6 − 1, यानी आ जाएगा यहाँ पर 5, C 3 2, ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 9 − 4, ठीक है, यहाँ −5 हो जाएगा, ठीक है। तो C 3 3, ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो 3 − 8, यानी आ जाएगा यहाँ −5, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन सभी को फैक्टर को सजा कर फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, यहाँ −2 − 1 − 3 − 1 − 2 − 1 5 − 5 − 5, और यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो −2 − 1 − 3 − 1 − 2 − 1 5 − 5, और यहाँ पर −5, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग ए के इनवर्स की बात करते हैं, तो 1 by determinant of A × adjoint of A, तो 1 by determinant of A का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं, −5 है, तो 1 − 5 × यहाँ जो ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए है वो लिख देते हैं, −2 − 1 − 5 − 1 − 2 − 5, और यहाँ हो जाएगा 3 − 1 − 5, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ए का इनवर्स ही ना होगा। अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग एक्स इक्वल टू में जानते हैं ए इनवर्स बी, एक्स का वैल्यू तो एक कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ए का इनवर्स −1/5 और इंटू में यहाँ पर है आपका −2 − 1 − 5 − 1 − 2 − 5 − 3 − 1 − 5, ठीक है, यही ना है जी। चलिए अब इसके बाद इंटू में बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स लिए 1600 20 300 900 1600 20 300, और फिर ये 900। अब इसके बाद देखते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू में −1/5, अंदर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3200, और फिर −2 300, और फिर +4500, ठीक है। सेकेंड रो में करते हैं फर्स्ट कॉलम से 1600 −4600, और फिर −4500, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे −4800, और फिर आपका हो जाएगा −2300, और फिर यहाँ पर हो जाएगा −4500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड। अच्छा ये प्लस का है 4800, देखो इसमें इसे करेंगे तो है ना प्लस का होगा। चलिए देखिए क्या होता है, −1/5, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पे ये माइनस का कितना आ जाएगा जी 55, माइनस का 55 और प्लस का 45, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा
माइनस का 1000 यानी कि 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11 और 5 5 5 माइनस का 6100, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1500 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए सभी माइनस के ही हैं तो ऐड कर देते हैं। अच्छा नहीं, ये वाला प्लस का हम लोग किए थे ना, ये वाला प्लस का किए थे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500 और 2300, तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 6800 और फिर इसमें हम लोग 4800 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा माइनस का 2000 हो जाएगा। अब चलिए माइनस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड 200, ठीक है 300 और यहाँ पे 400, देयरफॉर एक्स का वैल्यू 200 रुपीस, वाई का वैल्यू 300 रुपीस एंड जेड का वैल्यू जो होगा 400 रुपीज हो जाएगा, 400 रुपीज हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर